oktatási jog áldozatjának. तो यही अर्थ में लोगों के एक बचाव का उपाय तो वही हो सकता है कि जो स्वतः स्फूर्त रूप से अपने संसाधनों के आधार पर बेहतर ढंग से ये करें विरोध करें इस तरह की सरकार का। छोटे देश मान लेते हैं कि जर्मनी अमेरिका इंग्लैंड ये सब पे एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई लड़ाई हो तो शस्त्र अस्त्र की बात कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा देश हमारे पड़ोस का ही एक भूटान है, अगर उसको चीन या भारत के खिलाफ प्रतिरोध करना हो तो कौन सी शक्ति में इकट्ठा हो सकता है। तो दुनिया में ज़्यादातर देश तो छोटे देश हैं जिनके पास बहुत संसाधन नहीं है, हम तो बहुत बड़े देश हैं इसलिए करके कल्पना कर लेते हैं और उस दिशा में भी बात दे रहे हैं। किसी भी छोटे देश के लिए छोटे समूह के लिए अपनी रक्षा का क्या उपाय है। हम लोग का हमारा बहुत बड़ा देश है, गरीब देश भी है तो इतना संसाधन है कि हम लोग न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं जबकि बिल्कुल वो वेस्ट है, हम जानते हैं कि उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, करेंगे तो हम भी बर्बाद होंगे दूसरे भी, फिर भी लगातार ये कर रहे हैं अपने सीमित साधन में दुनिया भर से लड़ाकू वायुयान खरीद रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे देश हैं वो कैसे अपने रक्षा करें, उनको तो अंत जा करके अहिंसक ढंग से ही अपना प्रतिरोध करना पड़ेगा। तो कुछ दो तीन देशों को छोड़ करके जिनके पास ये ऑप्शन है कि युद्ध की तैयारी करके दूसरे को बर्बाद कर दें, उसमें कोई जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें कोई विजय का विजेता नहीं था, जर्मनी भी बर्बाद हुआ, इंग्लैंड भी बर्बाद हुआ, फ्रांस भी बर्बाद हुआ, तो उसमें कोई जीतता हारता तो नहीं था कि बर्बाद नहीं, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन था उनके पास। लेकिन जो छोटे देश हैं कमजोर देश हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है इन सब प्रतिरोध को छोड़ कर, तो करना है आदरणीय सचिदानंद और सभी सज्जनवृंद, थोड़ा सा अटपटा प्रश्न जरूर है लेकिन मन में घुमरता रहता है कभी कभी। पहले तो एक बात बतला दें कि महान लोगों की शहादत की परंपरा भी यहाँ भारत में है, कौटिल्य जो देश की एकता के लिए प्रयास किए तो उनकी भी शहादत हुई, कामंदक की भी शहादत हुई, तिलक की भी शहादत हुई, इस तरह से है। मुझको लगता है महान तो है ही, ये सारी दुनिया गांधी की नीतियों पर शांति पर कैसे अमल किया जाए, दुनिया में कैसे शांति बहाली की जाए अक्सर है ही, इवन नोबेल लॉरिएट वगैरह भी उनके प्रशंसक हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या जो राज्य के मामले में जो एक्सट्रीम पीस है उसकी विरासत तो हम लोगों को नहीं दे गए, क्योंकि पंचशील समझौता होता और उस पंचशील समझौता शायद मुझको लगता है कि गांधी का अनुसरण करते हुए यहां के जो शासक थे पंचशील समझौता किया, उसका बहुत दुष्परिणाम हुआ, बस यही
मेरा सवाल है कि क्या एक्सट्रीम अति सर्वत्र बढ़जेत तो नहीं हो गया? मैं समझता हूँ कि जो पंचशील समस्या है इसके तौर पर जो समझौते होते हैं ये तो पूरा जो अभी एक दुनिया का राज्य का धंधा है उसी के अंदर होता है, इसमें कुछ किसी को फायदा होता है किसी को नुकसान होता है। गांधी इस समस्या पर बिल्कुल एक मौलिक ढंग से अलग ढंग से सोचते हैं। जैसे कि अपन जब ग्राम गणराज्य की बात करते हैं तो उसमें इस तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं, तो बिल्कुल छोटे राज्य की ऐसी स्वायत्त समूह की बात करते हैं, उसमें इस तरह से फौज या बॉर्डर और फिर समस्या आते हैं। ये भी सवाल लोगों ने कहा था कि फिर इन लोगों का एक दूसरे से संबंध कैसा रहा रहेगा, तो उन्होंने कुछ कहा था कि वो ओशनिक सर्किल जैसे कि आप समुद्र के अंदर एक पत्थर फेंकते हैं पानी का जो है संबंध स्थापित करते हैं कि जो ग्राम गणराज्य होंगे उनका आपसी संबंध उसी तरह का हो, तो वो बिल्कुल अलग तरह की दुनिया की बात कल्पना कर रहे हैं। आज के राज्य में तो चंद्र के समय से लेकर के आज तक वो तो बड़ी सत्ताओं का एक समन्वय का सवाल है। बड़ी बड़ी सत्ताएं हैं अपने स्वार्थ को लेकर वो कैसे एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, वो बिल्कुल एक अलग तरह की चीज़ है। गांधी एक अलग दुनिया की भी कल्पना कर रहे थे और गांधी इसीलिए थे कि उस तरह की दुनिया की कल्पना करते थे। अगर आज जो आधुनिक राजनीति है और राजनीति है इसकी बात करते तो गांधी नहीं होते, फिर वो तो जो एक कॉमन पॉलिटिकल सिस्टम है उस क्या होते। अखलाक सवाल तो मैं नहीं पूछ सकता, सुनने में ज़्यादा हम लोग को मज़ा आता है और ज्ञानवर्धन लोग करते हैं। बस एक तो दिमाग में कुछ लगातार ये चीज घूम रही है, जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट भी किया था कि मोदी मिनिस्टर वाली जो बात आई थी जिस पर राज्य मंत्री ने भी टिप्पणी की, वो तो करते ही हैं और करेंगे भी, लेकिन खासतौर से जो गांधी के नाम से जुड़े संस्थान हैं और उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी जो टिप्पणी आती है कि गांधी से ज्यादा तो खादी मोदी की वजह से बिकता है, ब्रांड मोदी, ये टिप्पणी सबसे पहले खादी संस्थान से जिसने किताब छापी थी उसकी टिप्पणी आई थी, उसके बाद वो मंत्री की भी टिप्पणी आई, या फिर हम दूसरे खादी संस्थानों को भी जो देखते हैं यहां से लेकर के और भी दूसरे स्थानों तक, वहां जिस तरीके से खादी या गांधी का आवरण ओढ़ करके जिस तरीके से चीजें चलती है, मैं सिर्फ ये आपसे चाहता हूं कि मौजूदा समय में जो गांधी से जुड़े प्रतिष्ठान हैं, संस्थान हैं, लोग हैं, उन पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये सार्थक प्रश्न है। वो तो संस्थान है वो गांधी की विरासत को ढोने वाले हैं कि नहीं, ये थोड़ा अलग है। बोलने आवाज सुनिए ना भाई, कितनी बात में कीट कर लीजिएगा आप लोग। हम समझते हैं कि इन संस्थानों से संस्थानों का एक अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी कुछ अपनी कंपल्शन होती है, उसके हिसाब से चलते हैं, बड़े आदर्शों को लेकर के ये संस्थान बन रहे हैं। गांधी जी ने शुरू किया था उस समय वो आदर्श जरूर थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका इंटीग्रेशन हो रहा है। अभी जो व्यवसायिक समाज कहने के लिए गांधी की आत्मा उसमें नहीं है, ये तो व्यवसायिक व्यवस्था उसके अंदर है। जैसे कि खादी ये बिकता है, आज एक्सपोर्ट का एक बड़ा आइटम है हिंदुस्तान का, हैंडलूम से बने हुए चीज, हैंडीक्राफ्ट से बने हुए चीज, इसलिए वो बिकता है, उसका बाजार है, इसलिए उसका महत्व है, इसलिए नहीं कि वो गांधी का आइडिया उसको ले। और कोई सवाल? एक सवाल जी, जिज्ञासा है। 1990 में लक्ष्मीचंद जैन जिसे मेरी एक बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि गांधीवादियों को इस देश में जीने नहीं दिया गया। आज इतने साल बाद भी क्या आप इस कथन से सहमत हैं?
गांधीवादियों को जीने नहीं दिया गया। हाँ, देश में जीने नहीं दिया गया। तो हैं ये गांधीवादियों के नालायकी को और किसी को, किसी युवा साथी को, किसी छात्र भाई को, हाँ छात्र प्रस्तावों का उपयोग होना चाहिए। अच्छा लगता है छात्रों के साथ युवा युवा कॉलेज के कोई विद्यार्थी युवा लोग कुछ कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लंगर सिंह कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर उपेंद्र कुमार जी से आग्रह करते हैं कि वे अध्यक्षीय संबोधन दें, फिर उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन होगा और फिर हम इकट्ठे चाय पिएंगे। गांधी स्मृति व्याख्यानमाला क्रम में मंचा सिंह, प्रखर गांधीवादी सचिता बाबू,